सो हेलो गाइस, मैं हूं केतन करंडे, आपका बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्टर। और बहुत खुशी हो रही कि आज के दिन बारिश हो रही है। एक अलग मौसम है, ठंडा तो है ही और बारिश का मौसम है तो बहुत मजा आ रहा है। और बहुत खुशी इस बात की हो रही कि कल मैं आ रहा हूँ एक नए ब्रांच के ओपनिंग में। और बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त मिस्टर नूर खान और रेशमा, इन दोनों ने मिलकर एक और ब्रांच ओपन किया है जो जुईनगर में है। पहले इनका उलवे में था, उसके बाद खारघर में, फिर कलम्बोई में एंड नेहरू में, और अभी इस बार जुईनगर में। तो बहुत खुशी हो रही है कि वहाँ पर आने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि वापस वायरस कोरोना जो है अगेन अटैक कर रहा है हम सब पे। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मास्क लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मास्क लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर, बढ़ानी चाहिए। और उससे ही हमारा हम प्रतिकार कर सकते हैं इस वायरस का। तो अपने खाने पीने में थोड़ा चेंजेस कीजिए, लाइक डाइट में आप अच्छी अच्छी सब्जियाँ जितने भी मट्टी में आती है वो, रतालू वो अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स इज़ वेरी गुड, जूसेस जितने भी ऑरेंज मौसमी है वो लेना चालू कर दीजिए, फ्रूट्स खाना अच्छा है, खजूर बहुत ही ताकतवर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दिन भर में आधे घंटे के लिए कोई भी वर्कआउट, योगा हो या फिर कोई फ्री फिटनेस वर्कआउट करना चालू कर दीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इससे फाइट करना है, हराना है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम दिन भर में अपने काम काज में पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। हमारे दिमाग में एक डाल के रखा है दुनिया ने, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं होता। पैसे से टाइम नहीं आता, पैसे से कोई गया हुआ इंसान ऑफिस नहीं आता, पैसे से माँ ऑफिस नहीं आती। तो पैसे सब कुछ नहीं है, सब कुछ है हमारी ताकत, हेल्थ इज वेल्थ। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ताकतवर बनाइए कि हम लोग इस वायरस से नहीं, आने वाले हर वायरस से हम जूझ सके, लड़ सके, उसको हरा सके। सो फाइट विथ ऑल दिस थिंग्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अपना जो वर्कआउट है अच्छे से करना। मेरी 17वीं सालगिरह जिम की आने वाली है, मैं इन्वाइट करना चाहूँगा आप सबको, आप आइए मुझे मिलिए। बहुत सारे जिम्स में बहुत सारी फीस लेते हैं, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, क्योंकि उनका मेंटेनेंस बहुत हैवी होता है, क्योंकि आजकल के प्रॉपर्टीज के भाव इतने हो चुके हैं कि उनका रेंट जो होता है 70, 80, 90 लाख, 1.5 लाख रुपया होता है, तो आपसे वो 10,000 फी चार्ज करते हैं। तो आप उनके रेंट का पैसा क्यों भर रहे हो? आप अपने जिम का पैसा भरिए। जो मेरे जिम में है ₹3,000 ईयरली जो है, वहाँ में मैं खुद भी होता हूँ सिखाने के लिए, और मुझसे कांटेक्ट में रहिए। अच्छा, सप्लीमेंट्स जहाँ वहाँ यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डोंट गो फॉर द अल्टीमेट ऑप्टिमम डायमेटाइज रॉनी कोलमन जे कटलर, डोंट गो फॉर दैट, क्योंकि ये सारे ये इतने महंगे हैं, क्योंकि उनको जो जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनको पैसे देने में इतने महंगे पड़ते हैं कि वो भाव जो है वो आपके डब्बे के अंदर वो डाल के देते हैं, तो वेरी कॉस्टली। आप एक दिन एक टाइम डब्बा खरीदोगे, लेकिन बाकी टाइम डब्बा कैसे खरीदोगे, पूरा लाइफ कैसे खरीदोगे? तो गो फॉर डोमिनेटर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं अपने बॉडी मैंने उसी से बनाई है, लीन मसल एजेस डाइट वे, उसके बाद आइसो प्योर एमिनोटेक फॉर BCAA एक्सलेट, उसका बहुत सस्ता है, जो 500 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिम करते हुए वर्कआउट ड्रिंक है। तो मुझसे कॉन्टेक्ट में रहिए, अच्छे चीजें यूज कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। लास्ट 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ फिटनेस लेवल पे। और वंस अगेन आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लास्ट ईयर में गलतियां हुई है वो इस साल हम गलतियां नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छे लेवल पे काम करेंगे। अपना कोई अच्छा गुरु पकड़ो, मुझसे बात करो, मुझे गुरु बनाओ, या तो कोई अपना नजदीक का बंदा हो जो आपसे कॉन्टेक्ट में है, नजदीक रहे, उनको गुरु बनाओ और आगे बढ़ो, और जो गलतियां की है उसको सुधारो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। तो मैं आ रहा हूँ कल जुईनगर में, वाशी में। अगर आपको मुझसे फोटोग्राफ ऑटोग्राफ खींचना हो, मुझसे बात करना हो, तो आप मुझसे मिल सकते हो। वंस अगेन बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं NR डांस क्लास के लिए, जो एक और ब्रांच खुल रहा है जुईनगर में उसके लिए, और बहुत बहुत सारी बधाई सबको। आप जो जिस फील्ड में हो आप आगे बढ़िए, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद भगवान की तरफ से, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे गुड विशेज फ्रॉम मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, टेक केयर, गुड बाय।